गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एकदम हेल्दी सी ब्रेड की रेसिपी। आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर आपको मैदे की ब्रेड नहीं खानी है या किसी और की, तो आप आटे की ब्रेड भी घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही मतलब उसमें ना शक्कर डाली है मैंने, ना कोई अनहेल्दी चीज़ डाली है। और ये देखिए, हम दूध को ना थोड़ा गर्म कर लेना है, मतलब थोड़ा वार्म कर लेना है, एकदम हॉट भी नहीं होना चाहिए। और उसमें हमने ईस्ट डाल देंगे, ड्राई ईस्ट मिलता है मार्केट में, आप कहीं पे भी देख सकते हैं। और इसको ना 5 मिनट हम रख देंगे एक्टिवेट होने के लिए। और उसमें मैंने डाल दिया है हनी, तो ये शुगर का रिप्लेसमेंट है, तो इसलिए मैंने इसमें शहद डाल दिया है। और आप थोड़ा और शहद भी डाल सकते हैं, ये देखिए। और थोड़ा सा नमक मैंने टेस्ट के लिए डाल दिया है, और ये देखिए। उसके बाद ये हमारा ड्राई इन्ग्रीडियंट्स आ जाएंगे, मतलब मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है। और यहाँ मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डाला क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें ईस्ट डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आटा डाल दिया है और उसमें फिर तिल डाल दिए हैं। और इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है और इसका आटा गूंथ लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा हमको पानी नहीं करना है कि आटा गूंथ जाए, उतना ही हमको सब बैटर डालना है। और इसमें थोड़ा मैंने घी डाल दिया। ये स्टार्टिंग में स्टिकी होता है बट बाद में इस तरीके से डो बन जाता है इसका। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कवर कर लेना है आपको किसी चीज़ से, और 1-1.25 घंटे के लिए इसको रख देना है। तो मैंने इसको पॉलीथिन में बाद में कर दिया था कवर, क्योंकि पॉलीथिन में अच्छे से पैक हो जाता है। और इस तरीके से ये देखिए, इसको हम पंक्चर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पंक्चर कर लेना है। और इसको ना फिर से इसका जो आटा है वो गूंथ लेना है, मतलब इसको इसका आटा अच्छे से फिर से बीट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से जितना अच्छा बीट करेंगे उतना अच्छा ब्रेड बनेगा। तो ये देखिए, हम अच्छे से बीट कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी भी हम बेक करने को नहीं रखने वाले हैं। अभी सिंपली एक टिन लिया है, उस पर ब्रश अप्लाई किया है ऑयल का, और उसके ऊपर मैंने ये रख दिया है। और इसमें ध्यान रखिए कि ज़्यादा क्रैक्स व्रैक्स ना हो, जिससे ब्रेड टूट सकती है। तो इस तरीके से मैंने रख दिया है। और इसको भी मैंने कुछ 20-25 मिनट, आधे घंटे के लिए रख दिया था पैक करके। तो वापस से 20-30 मिनट बाद हम इसको खोल देंगे, और ये देखिए थोड़ा फूल चुका है पहले से। और हम इसको रख देंगे बेक करने के लिए 20 मिनट के लिए और 180 डिग्री पे। और ये देखिए, हमारा ब्रेड जो है वो रेडी हो चुका है। और मैंने यहाँ पे नाइफ़ पे अंदर इंसर्ट करके देखी थी, तो एकदम क्लीन आई थी। आप टूथपिक भी लगा के देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी ब्रेड एकदम हेल्दी वाली रेडी हो चुकी है। आप किसके साथ भी टी टाइम पे खा सकते हैं, टी के साथ। और देखिए कितनी स्मूथ और फ्लफ़ी बनी है, ये देखिए। तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं घर पे, और मुझे बताइए कि कैसी बनी। और चलिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।